प्रोग्राम को देखा 3 दिन का, इसमें बच्चों का बड़ा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम था। बच्चों ने डे टू डे एक्टिविटी से कैसे सीखे, स्मोकिंग से क्या नुकसान हो। मैं भी इस बच्चे का एक मॉडल देख रहा था, इसने एक बहुत अच्छी बात कही कि जैसे हर ताले की अपनी चाबी होती है, तो हर समस्या की भी अपनी कोई ना कोई एक सॉल्यूशन है। तीन दिवसीय जो विज्ञान मेला यहाँ पर आयोजित किया गया था उत्तरी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा, तो कितने स्कूल के बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और क्या उद्देश्य था इस मेले को लगाने के पीछे? देखिए, ये जो 3 दिवसीय ये पश्चिमी जोन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का हमारा ये मेला था, इसके 2 अध्याय थे। एक तो हमारे जो अध्यापक गण हैं उनका सम्मान समारोह था। इस बार हमारे टीचर्स हमारे बच्चों के साथ पूरा साल मेहनत करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, यहाँ तक कि जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है, जैसे कि हमारी नर्सरी आया, हमारे चौकीदार, ये सबका अपना अपना योगदान है कि हमारे बच्चे अच्छे से सुरक्षित और कंफर्टेबल माहौल में शिक्षा ग्रहण कर पाएं। तो एक तो उन सभी का हमारा एक सम्मान समारोह था और साथ ही हमारे सारे स्कूल पश्चिमी जोन के, उन सभी के बच्चों ने यहाँ पर अपने अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले करे और विज्ञान के विभिन्न पहलुओं के ऊपर बच्चों ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति दी। तो ये 2 ध्येय थे इस कार्यक्रम के। कितने स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? इसमें करीबन 100 स्कूल के बच्चे थे जो हमारे पार्टिसिपेट करे, उनमें से काफ़ी स्कूलों के प्रोजेक्ट लगे और बाकी वैसे बच्चे देखने के लिए सभी बच्चों को स्कूल्स ने अपने अपने राउंड लगाते हुए बच्चों को दिखाया। इस विज्ञान मेला का आयोजन कितने समय से किया जा रहा है? ये विज्ञान मेला काफ़ी सालों से ऑर्गेनाइज होता है। ये हमारी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की कल्चर में है कि हम हर साल हर जोन के अंदर ये कार्यक्रम करते हैं जिसमें ये दोनों कार्यक्रम हमारे इकट्ठे होते हैं। इस तरह से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है पब्लिक स्कूलों में देखी जा रही थी, लेकिन नगर निगम और दिल्ली सरकार के स्कूल भी अब इसमें अग्रसर हो रहे हैं जी। तो क्या लगता है कि शिक्षा में एक नई कड़ी जुड़ रही है या आप लोग कुछ एक्टिव ज़्यादा हो रहे हैं? देखिए, हमारे हिसाब से शिक्षा हमेशा ही नई कड़ियाँ जुड़ने का नाम था, शिक्षा कभी भी स्थायी नहीं रहती। तो इस बार जैसे कि स्मार्ट क्लासेस, जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको हमने दक्षिण दिल्ली नगर निगम में हम उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। आज हमने 2 नई चीज़ें यहाँ करी हैं। एक, हमने बच्चों की जो आर्ट है, जैसे कि उन्होंने एक नन्हे कदम स्वच्छता की ओर, बच्चों ने मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए अपनी अपनी एक आर्ट की स्वच्छता को लेके एक चित्र बनाया। उनमें से कुछ चित्रों को संकलित करके एक कॉफ़ी टेबल बुक हमने बनवाई है और अब हम हर स्कूल की कोशिश कर रहे हैं कि हर साल एक एक कॉफ़ी टेबल बुक उनकी बनवाएं, ताकि हमेशा के लिए इन अभिव्यक्तियों को हम खो ना दें।